ना तो उन्होंने डॉक्टर साहब ने, मैं पहला खा था 100 वो एजीडे गोली अच्छा लैमली, ठीक है ठीक है। और मेरा कोलेस्ट्रॉल सी 220 2 साल पहला। तो फिर उन्होंने क्या परहेज वगैरह करो, त्याग करो, तो कोई नहीं खास हुई नहीं, गोली मैं कदम खाता हाँ कदम नहीं खाता। तो फिर मेरा ब्लड तो ठीक रहता सी, लेकिन अच्छा कोलेस्ट्रॉल हो गया 250। वो फिर कल दिखाया सी डॉक्टर अदर अदर साहब नू, अच्छा स्पेशलिस्ट मेरे हाथ ज्यादा हो गए, तो बिदन मिड सिटी अस्पताल च हाँ जी हाँ जी उन्होंने फिर वो कोई इजी डेवी रहने दिया। एक उन्होंने नाल एमएलओ डेपो पता की है बोलिए हाँ 5 MG, ठीक है वो नाल वो दावा करता था। एक उन्होंने 10 MG हैगी है वास्ते कोलेस्ट्रॉल वास्ते, केड़ी है किरण ना ना असर्टेन असर्टेन पता की इस तरह का नाम है, आधे नाम है एक हाँ दस दिता नो नो स्टेटस ग्रुप तो यूज होती है, बिल्कुल यूज होती है कोलेस्ट्रॉल हैगी घटाने ऐसा ना वास्ते। दी है। हाँ बिल्कुल होती है। अच्छा, ऐ उन्होंने फिर लिखी थी ना, फिर नाल अच्छा उन्होंने कहा जी कि गोश्त गोश्त बड़ा गोश्त हराम, छोटा गोश्त हराम, ला मुर्गी को 200-300 खा सकते हो, तेल हाँ घ्यो नहीं खाना, परहेज हाँ परहेज दी छोटी जी पर्ची थी ना ला, तो अच्छा यह दवाई खाओ सारी उम्र खानी हो। अच्छा ठीक ठीक है। है हाँ यार कमेटी ठीक ऐसी कमेटी है ये सारी जिंदगी देनी है हाँ जी भावे निकले ये भावे हाँ ना भाई, निकले मैं जी नहीं, मैं जी ठीक हो भी जावे फर्ज करो कोलेस्ट्रॉल, फिर मैं 150 हो जाएगा तो फिर चढ़ देना, मैं सौ ठीक है मैं सही है चलो सही है सही है। अच्छा ऐसे वास्ते तो जाहिर बात है खुराक का भी नाल काफी रोल है ते जी की जी वो खांदे सानू पता ही पींदे। है। हाँ की नहीं खांदे पींदे असि हो। लोग काफी परहेज का बहुत किया, सब्जी सुब्जी ज्यादा खाई दा, गोश्त घर पकदा नहीं वो खाई दा ही, लेकिन थोड़ा पकड़े अच्छा पानी की ना पींदे दा हो, गोश्त ज्यादा जो पानी की ना पींदे हो। पानी, मैं कुछ 5-6 गिलास पी ले रोज़ा। नहीं यार पानी थोड़ा है ना, कम से कम अच्छा ओ भी किस तरह ये पूरे दिन दे विच तुसीं 10 से 12 गिलास पानी पीना है वो पूरे किस तरह दिन करे च। बनावा जिस तरह। अच्छा सुबह नाश्ते दे टाइम कितना पानी पींदे हो। तो मैं दसना ही नहीं सारे दिन अंदर एसी च, क्योंकि अच्छा सर्दियां सर्दी होंगी अजकल एसी लग गया, तो हाँ प्यास लगती को नहीं, प्यास लगती को हाँ नहीं, तो फिर धक्के पीना पीना जरा पीना प्यास तो, या तो नहीं बंदा बाहर मैं निकले ना सीना नहीं पसीना आवे ना, तो गर्मी फिर नहीं वो बंदा प्यास फिर लगे। वो वाली चीज है थोड़ी तो करने पैनी है। 8 से 10 गिलास तो पानी जरूर पीना है ठीक है ना पूरे दिन दे। नहीं हूं मैं ना जिसे मैं खाना खाना तीन टाइम हर खाने से पहले 1 या 2 गिलास पानी पी लीजिए, ठीक हूं तो है। हूं तो मेरी रूटीन है, अगे पिछे जरूरत नहीं पैंती, अगे मैं पिछे मैं तो प्यास नहीं लगती जरूरत नहीं पैंती। नहीं खाना खाते 3 टाइम तक खाना खाते हैं, 2 गिलास पानी है हो जी गया टोटल बन गए 6 गिलास पानी तेरा छे बन गया छे हाँ 6 गिलास हो गया, ठीक हो छे गया। हो गए ना सुबह नाश्ते दे फिर दोपहर दे 2 ते रात दे 2 ठीक हो गया। इस अलावा जी उन्होंने 2 से 4 गिलास होर तुसी विच पाने ने। अच्छा, मतलब 1 गिलास दरमियान जी पी लिए, कितने देर खाना खाते कितनी देर बाद पी सकते हैं। कम से कम कोई आधे घंटे का गैप होना चाहिए था। अच्छा तो कितना पानी 1 गिलास। हाँ एक गिलास तुसी यानी करो ना नाश्ते दे दोपहर दे खाने दे दरमियान 1 से 2 गिलास पी लो। ठीक हो गया नाश्ता किन्ने बजे करते इस तरह, हो। फिर नाश्ता तो सुबह सुबह कर लेना 6-7 बजे, ठीक है ते दोपहर सुबह का सुबह खाना। उठ असि टाइम टाइम नहीं, अब बच्चे भावे कर ना कर जो मर्जी कर, वो उन्होंने नाल ही अपना टाइम रखा, सुबह नमाज पढ़नी उठ के फिर नाश्ता करना, अच्छा फिर 2 बजे 1 बजे लंच करना है जी, ते तो फिर ते 5 बजे 6 बजे 7 बजे अपना शाम को अपना खाना शाम का खा के ही अपना, वो बच्चों का तो जिस वे नाश्ता लंच कर रहे हैं उस वे नाश्ता कर रहे होंगे, ठीक है उस वे ते सुते सुते वो सुते उठते हैं कितने बजे खाते हो तुसी ना दोपहर का खाना। 12 बजे 12 बजे ठीक है ते रात का। जैसे थोड़ी पिली काला ही उस में नाश लंच कर रहा था, कदों जल्दी कर जल्दी कर ले आज, आज। अच्छा मतलब ठीक बारह है एक फिर बारह एक बजे कल 12-1 बजे कल रात का खाना कितने बजे खाते हो। ओ कुछ नहीं होती है कि मतलब शाम शाम को खा लिए मरीज नमाज पहला या बाद सात ठीक है सही आठ बजे है। खा लेगा, सोंदे कितने बजे हो। सोमदा कोई पता नहीं कोशिश करी था, लेकिन 11-12 बजे जाने ठीक है तो सुबह फिर नमाज टाइम सुबह घर उठने में 4-4:30 बजे नमाज, ठीक है नमाज आजकल पढ़ते हो। 5 बजे दिन 5 बजे दिन चढ़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल है जी।
इंज करो कि दो गिलास पानी तुसी नाश्ते दे नाल, दो गिलास पानी दोपहर दे खाने दे नाल, ते दो गिलास पानी रात दे खाने नाल ऐ तुसी पीने पी। ठीक हो गया, ठीक हो गया। बर्फ वाला पानी, दो दो बर्फ वाला पानी नहीं पीना। नहीं नहीं, बर्फ वाला पी नहीं रहे असल में, ऐसी गर्मी नहीं पई ना। अच्छा, तो केड़ा पींदे आ? ताजा बर्फ वगैरह। हां बिल्कुल, वो वाला पानी तुसी इस्तेमाल करना है। ते कोई इस तों अलावा तुसी इंज करो कि नाश्ते दे दोपहर ते खाने दे दरमियान एक तो दो गिलास ओ कर लो, 9 बजे, एक एक बजे, 9:30 बजे कर लो, एक तुसी कर लो 11 बजे, हो जाएगा। अच्छा, मतलब दिल ना भी करे, प्यास ना भी, फिर भी पी लो। हां पानी जरूर पीना है। दो लीटर पानी पीता है। बिल्कुल 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 ऐसे लावा मोगे मेरी मैं है नहीं वो ले इन्हें तो पीला करेंगे। चाय पींदे हो जी? नहीं नहीं, चाय कटाती है बहुत ज्यादा, बस हमें चुस्की वाल दे थोड़ी बहुत। किरे टाइम लाते चुस्की अभी जी पीना पे बिना गए हमें अभी नहीं। वो बेगम पी दिया उन्होंने चुस्का है ना। अच्छा, चाय पी हां हां जी, तो वो भी कटाती है चीनी बगैर ही तकरीबन, चीनी बगैर शहद पा लेते बिलकुल, शहद पा लिया, शक्कर पा ली, गुड़ पा लिया, ऐसी चीज पानी है, सवेर चीनी नहीं पानी, सवेर चीनी बड़ी जल्दी छड़ती है। ठीक है, सलाद खांदे हो? हां जी, सलाद खांदे हो? सलाद हां गाय खाई दा जी जी, अक्सर खाई दा, लेकिन किसी वेले मैं नहीं भी खाई दा। नहीं, कोशिश करो कि पहला खाई दा सलाद, दोपहर तुम सलाद जरूर खाओ। दोपहर के सलाद विच कोशिश करो कि बंद गोभी जरूर होए। अच्छा अच्छा, वो पत्ते वाली? हां पत्ते वाली बंद गोभी, चिकंदर पपीता पा दे दोपहर सलाद खाना ना, एक प्याली प्याली बोलने सलाद पपीता कोलेस्ट्रोल 200 तक आना चाहिए, थले आना चाहिए। ठीक हो गया, बड़ी परेशान है, कहती है लाजमी चेक करा मैं क्यों।
ਇਹਦੀ ਜੇ ਈਦ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਚਲੋ ਇਹ ਤੇ ਗੋਸ਼ਤ ਗੁਸ਼ਤ ਖਾ ਲਾਂਗੇ, ਉਂਝ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਆਂਦੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨੇ ਆ, ਆਂਦੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਣ ਲਈ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵੇਖਦੇ ਹੋਣਾ, ਈਦ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੋ ਲੈ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾ ਸਕੀਏ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋਇਆ ਨਾ ਰੋਜ਼ ਆਏ ਨੇ, ਦੋ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ 250। ਮੇਰਾ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਤੂੰ 220 ਤੇ ਖੜਾ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਕ ਸ਼ਾਕ ਸਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਰੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਣਾ ਵਾਧੂ ਖਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਹੀ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਬਾਹਰ ਜਾਈਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਖਾਦਾ, ਇਹਦਾ ਘੱਟ ਖਾ ਲਈਦਾ ਸੀ। ਘਰ ਬੇਗਮ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹ ਬੇਗਮ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ 24 ਘੰਟੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਮੈਂ ਖਾਂਦੀ ਰਹਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਬੜਾ ਮਿੰਤਾ ਕਰਦਾ, ਮਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਮਿੰਦਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਖਰਾਬ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਜਬੂਰੀ ਦੇਖ ਕੇ 70 ਸੀ ਵੇਟ, ਤੈਨੂੰ 66 ਆਇਆ, 66 ਮਹੀਨਾ ਜੀ ਵੇਟ ਵੀ ਮੈਂ ਘਟਾਇਆ ਮੈਂ ਸਰ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰਾ 66 ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਮੀਦ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਹਾਈ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਬਸ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਬਦ ਪ੍ਰੇਜ਼ੀ ਕਾਫੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਸਮੋਸੇ ਪਕੌੜੇ ਕਾਫੀ ਖਾਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਨਹੀਂ 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 ਉਹ ਬਦ ਪ੍ਰੇਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਦੂਸਰਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸਾਰਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ। ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਰਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉਹ ਕਦੇ ਲੇਟ ਕੇ ਤੇ ਕਦੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਲੇਟ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ 8-10 ਗਲਾਸ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਬੰਦ ਗੋਭੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏ, ਚਿਕੰਦਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏ, ਪਪੀਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਤਰਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਹਾਂ ਕੀਰਾ ਪਿਆਜ਼ ਮੂਲੀ ਚੂਲੀ ਕਾਜੋ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਪਿਆਲੀ ਜਾਂ ਬੋਲ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਸ਼ੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਹੋ? ਦੁੱਧ ਕੱਪ ਇੱਕ ਪੀਂਦਾ ਮਲਾਈ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮਲਾਈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਏ। ਹਾਂ ਮਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫੇਦ ਚੀਨੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਐਸਾ ਕਰਨੇ ਨਹੀਂ, ਚੀਨੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਦੁੱਧ ਮੈਂ ਚੀਨੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪੀਤਾ ਦੁੱਧ, ਚੀਨੀ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਬਦਾਮ ਕੁਝ 10-12 ਗਰੀਆਂ, ਕੁਝ ਦੇਸੀ ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼, ਅਖਰੋਟ ਘੱਟ ਹੀ ਫਾਇਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਦਾਮ ਬਕਾਇਦਗੀ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਖਾਈਦਾ। ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਬਦਾਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ, ਇਹ 7-9 ਬਦਾਮ ਖਾਣੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ 9 ਬਦਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੇਸੀ? ਹਾਂ ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼ ਕਾ ਲਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬਦਾਮ ਵਗੈਰਾ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਠੀਕ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ? ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਦੁਪਹਿਰ ਤੇ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਈ 11 ਵਜੇ ਖਾ ਲਓ, 10:30-11 ਵਜੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ, ਬਸ ਇਹ ਰੂਟੀਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਇਹ ਅੱਗੇ, ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਆਏ ਇਹ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ? ਚਾਹ ਤੁਸੀਂ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਸਫੇਦ ਚੀਨੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ। ਅੱਛਾ ਚਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਘੱਟ ਪੀਣਾ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ, ਦੂਸਰੇ ਪਕੌੜੇ, ਫਿਰ ਮਿਠਾਈ, ਫਿਰ ਬਰਗਰ, ਸ਼ਵਾਰਮਾ, ਬੋਤਲਾਂ ਸ਼ੋਤਲਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੀਣੀਆਂ। ਨਿਆ ਛੁੱਟ ਗਈ ਯਾਰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਛੁੱਟ ਗਏ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੋਂ। ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਬੜਾ ਚਾਰ ਸੜੇ ਬੱਚੇ ਖਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਇਕੱਠਾ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਤਾਂ ਘਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਹਾਂ ਬਸ ਸਹੀ ਲੈ ਹਜੀ ਜਨਾ ਹਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਬੋਤਲਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ, ਬੋਤਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪੀ ਲਈ।
बस ए वाले कहना पानी ज्यादा कहना पकाइए तुसी दवाई नहीं तुसी खा रहे हैं वो तुसी नाल जरूर खानी है जिहड़ी डॉक्टर ने दी है। ठीक हो गया। ते नाल अगर तुसी अगर वॉक शॉक अगर थोड़ी कर लो तो वो सब तो अच्छा हो जाएगा। वॉक शॉक है आधा घंटा वॉक कम से कम रोज करी जाए कुछ बहुत है साडी ने से वॉक दा बड़ा शीशु बल्कि कोशिश करें थोड़ा जा तेज चलो। एक हुंदा दौड़ना जॉगिंग करना वो नहीं और थोड़ा थोड़ा तेज चलना दो दिन खा लो फिर पूरा छह महीने ना खाओ तो फायदा की बेहतर ना चख भी नहीं सकते नहीं चख सकते नहीं चख सकते कोई हर्ज नहीं है। ठीक है सारी ताकत जी वैसे छोरे बोडी च नहीं होंगी छोरे को क्योंकि जो पका ले सारी ताकत आ जाती है। चटनी बनाओ अदरक कम वजन लसन अनारदाना पुदीना इना चटनी बना के रखो हर रोटी अद्धा चमचा या एक चमचा बिल्कुल सही है सही क्या है अजकल क्योंकि बारिश का मौसम आने वाला है तो अंबी की चटनी बड़ी साढ़े इलाके से पाल होती है। नहीं अंबी से आले अंबी नहीं खाते खट्टी बड़ी होती है। ठीक है गला खराब हो जाएगा। अनारदाना अदरक कच्चा अदरक कच्चा लसन ठीक है सही है पुदीना का बनाइए चटनी बनाइए एक चमचा या अद्धा चमचा जाना लेकिन काफी घट जाएगा दवाई खाओ वर्कशॉप करो वाली खुराक इस्तेमाल करो। अच्छा तो दो मिनट हो गए मैं थोड़ी जी दस अपनी जी 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 अच्छा ऐसे सा ना एक हकीम ने इलाज बिलगजा कर दिया डॉक्टर उस्मान ठीक है उस्मान गणी शोध शायद तुम सुनिया बहुत मशहूर है बहुत रश होगा ओर को जाके ना पहलू टोकन लेना पैदा टोकन ला के फिर कुछ छह सात घंटे बाद बड़ी बारी होगी ठीक है जिन्हें रोज कोई दो तीन सौ मरीज ठीक है अच्छा ਉਹ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਦਾ ਸੱਚੀ ਮੇਰੇ ਬੇਗਮ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀ ਚੁਸਕੋਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਿੱਦਾ ਦਾ ਕਦੇ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਮਿੱਦਾ ਬੋਲਾ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਦਾ ਠੀਕ ਕਿਥੋਂ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਸਹੀ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨਬਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰਾਵਾਂ ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਨਬਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਬਜ਼ ਖਾਣ ਜਾਣ ਕਹਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਮਿੱਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਮਿੱਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਦੱਸਣਾ ਪਲੇਸ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਫਿਰ ਕੁਛ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਗਿਆ ਫਿਰ ਦਮਜਾ ਕਰੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿੱਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਦੱਸਿਆ ਨਾਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿੱਦਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮੈਨੂੰ ਵਾਕਿਆ ਹੈ ਸੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਲਿਖਾ ਫਿਰ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤਰੇ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀ ਮਿੱਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕਹਦਾ ਮੈਂ ਹੈ ਮਿੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਮਝੋ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀਕ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਜੋ ਵੀਕ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀਕ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੀ ਵੀਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ अच्छा वो फिर मेनू हो गया कि कोई थोड़ा थोड़ा बहुत मैं परहेज परूज करता लेकिन मेरा डकार इन्ना का आंदा सी डकार हाले आउंदे नहीं सी जरा हारा कोई हाथ मेरा जिस्म लांदा सी ना जरा हारा मेरे कोई जिस्म हाथ लांदा सी घुटन लगदा सी बच्चा बुच्चा
मैनू किसी ने दसा कुछ मैं पढ़िया या अल्लाह ने कर्म किया उन्होंने कहा जी तुसी पानी जड़ना पानी पीना में खाना खान तू पहला बाज नहीं पीना वापस आ गया दुकान खत्म हो गई बर्फ वाला पानी नहीं पीना दूसरा पानी पीना फाका मिलेगा इंशाल्लाह फिर।